कहते कहते जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ बारामती लोकसभा के सारे लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ। पार्टी को तो आभार अभी नहीं मान सकती क्योंकि पार्टी थोड़ा डिलेमा में है, थोड़ी इधर है थोड़ी उधर है। ये वक्त सा 5 साल कैसे चले गए पता भी नहीं चला, ऐसे लग रहा है कल ही रिजल्ट आया था और 5 साल इतने जल्दी में चले गए। उसमें से 2 साल तो कोविड के कारण सबका ही नुकसान हो गया, लेकिन उससे उभर के 5 साल में बहुत सारे नए रिश्ते, नई दोस्ती, बहुत सीखने को मिला 5 साल में। और जिस तरह आप और आपका पूरा ऑफिस, कभी कई झगड़े भी हो गए, कभी आप हमसे नाराज़, कभी हम आपसे नाराज़, लेकिन रिश्ता बना रहा। और मैं मेघवाल जी, प्रहलाद जोशी जी और स्पीकर साहब के पूरी टीम बहुत बहुत आभारी हूँ कि थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा हंसी मजाक, इसमें 5 साल बहुत सबके अच्छे निकल गए। और आपकी पूरी जो ऑफिस पहले बिल्डिंग में बहुत सारे, हमारी एक बैच ऐसी रहेगी जिन्होंने दोनों हाउस में काम किया है, कि वो भी पुराने रिश्ते उस बिल्डिंग में, बहुत सारी यादें, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस देश का इतिहास लिखा है। ये देश 70 साल में जैसे खड़ा हुआ, उसमें सबकी मेहनत उस बिल्डिंग में रही थी। दी एंटायर आर इंडिपेंडेंस एंड द फाइट टू बी आर अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी यादें उस बिल्डिंग में और नए इस बिल्डिंग में आपकी छत्र छाया में हम आए। वो पुरानी यादें तो छूट नहीं रही है, यहाँ धीरे धीरे संभल रहे अभी, लेकिन आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सब ने हम सबको साथ दिया। और कहते कहते जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ बारामती लोकसभा के सारे लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ। पार्टी को तो आभार अभी नहीं मान सकती क्योंकि पार्टी थोड़ा डिलेमा में है, थोड़ी इधर है थोड़ी उधर है, वो तभी कोर्ट ही डिसाइड करेगी किसकी होगी, वो तो टाइम बताएगा अगले टाइम जब आएंगे। लेकिन आप सबका साथ प्यार, ऐसा ही हम दूसरे के लिए प्यार रहे। जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे रिश्तों में कभी अंतर और कटुता ना आए, इसी में हमारी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस हिसाब से आप बेस्ट फील से स्पीकर साहब और पूरे ट्रेजरी बेंच और सारे अपोजिशन के, फिर से मैं सब की आभारी हूँ। सब हमारे दोस्त चुन के आए और इस देश को सशक्त करने के लिए और इस विकास में हम एक दूसरे का साथ देते रहे, इस साइड या उस साइड कोई बात नहीं, लेकिन देश हमारा बड़ा होना चाहिए सर। जय हिंद।